ये वोट बनाना हुआ पॉलिटिक्स में, ये वापस नहीं करेगी वैसे यूपी गवर्नमेंट। आपके सरकार में दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाना सच में डरावनी है और पब्लिक भी डरती है इस चीज़ से। ये यूपी गवर्नमेंट की नाकामी रही कि हाँ उसके जो सुरक्षाकर्मी थे, कांस्टेबल थे, आरक्षी थे, उनके बीचों बीच उसकी हत्या हुई। ये बताइए अतीक अहमद की जिस तरीके से पुलिस अधीक्षण में हत्या हुई, लोग योगी सरकार को पूरी तरीके से कानून व्यवस्था में घेर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, जायज था? देखिए इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जैसे कि अगर वो अपराधी था तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत हुआ उसके साथ, उसको जो है आप जेल में डालते, कुछ भी करते, ठीक है। ऐसे आपके सरकार में दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाना सच में डरावनी है और पब्लिक भी डरती है इस चीज़ से, है ना। तो हमारे अनुसार तो ये गलत हुआ। हाँ ये है कि वो माफिया था, उसको फांसी की सज़ा हो जाती वो अलग बात थी, लेकिन इसको अगर देखा जाए ना तो सच में डरावनी थी। और पुलिस संरक्षण में हत्या होना एक माफिया की, इतने बड़े माफिया की, क्या लगता है यूपी में बाकी जनता, आम जनता है वो सुरक्षित है? देखिए इसको इसको हम कह सकते हैं सुरक्षित तो है, योगी गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो तो सुरक्षित है, बट इसमें एक माफिया के प्रति कोई माफिया मार दे तो इसको हम गलत नहीं कहेंगे, है ना। कहीं क्या पता एक दूसरे का कुछ भी चले उनमें, तो हम इसको गलत नहीं कहेंगे। और जो भी है यूपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। कोई नहीं, हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उमेश पाल के घर गए थे, वहाँ पे उनकी माता जी और पत्नी जी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि जितने माफिया, इन माफियाओं ने जो है जितने लोगों की संपत्ति को जब्त किया था उन सबको लौटाई जाएगी। क्या लगता है ये 2024 का चुनाव का पैतरा था या वाकई सरकार काम कर रही है? देखिए इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये जो गवर्नमेंट की है वो गवर्नमेंट करेगी, है ना। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये वोट बनाना हुआ पॉलिटिक्स में, ये वापस नहीं करेगी वैसे यूपी गवर्नमेंट, वोट बना रहे हैं यहाँ तक कि मेरा मानना ये। इस नेता शहीद बता रहे थी कहमत को, तिरंगा फहरा रहे कब्र, नहीं ये शहीद नहीं है, इसको ये गलत कहेंगे, इसको शहीद नहीं कहेंगे। तेजस्वी यादव तो जीव से संबोधित कर रहे हैं, क्या वाकई राजनीति को इस स्तर पर गिरना चाहिए? नहीं 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 गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, कभी नहीं गिरना चाहिए, इससे हम लोगों की खुद की बदनामी होती है ना। हाँ इस पे, हाँ इसको हम बोल सकते हैं कि ये यूपी गवर्नमेंट की नाकामी रही कि हाँ उसके जो सुरक्षाकर्मी थे, कांस्टेबल थे, आरक्षी थे, उनके बीचों बीच उसकी हत्या हुई, इसको ये गलत हुआ यहाँ तक कि, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सही भी हुआ, एक तरह से देखा जाए तो सही भी हुआ। और वो शहीद नहीं हुआ, जो जैसा करेगा वैसा। देखिए अभी क्या लगता है कि योगी सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर के बोलना चाहिए जो संरक्षण में हुआ? देखिए इसमें बोलने वाली तो बात है ही, बोलने वाली बात है ही, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी लोग भी कह रहे हैं कि हाँ उसके जो सुरक्षा व्यवस्था पे क्या सुरक्षा है यूपी गवर्नमेंट की, कि मतलब आरक्षी के बीच में किसी को गोली मार दिया जाए। हालांकि ये गलत हुआ, लेकिन हम लोगों के अनुसार अगर कोई आतंकी है, आतंकी है तो क्या पता एक दूसरे को, एक दूसरे से कुछ हो तो फिर मारा गया, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए इनका यही कहना है कि जिस तरीके से वो आतंकी के तौर पे उसको लोग देखते भी हैं, युवा जो है वो यही कह रहा है संरक्षण में हत्या होना गलत था, वो चीज़ गलत थी, लेकिन उसकी हत्या जो थी वो हो सकता है ऐसे ही लिखी हो, बुरे काम का बुरे नतीजे का ये फल रहा है कि आज अतीक अहमद और उसके भाई की जिस तरीके से सरेआम गोली मार करके हत्या की गई। फिलहाल बने रहिए तब तक के लिए हमारे साथ सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।